नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। या ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। जिस तरह से अडानी ग्रुप का शेयर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं इस पूरे मसले पर पॉलिटिकल लीडर्स की क्या राय है और खुद गौतम अडानी का क्या कहना है। फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। हैंस टू इंसुलेट द इन्वेस्टर्स from potential losses, we have withdrawn the FPO. I take this opportunity to thank our investment bankers, institutional investors and shareholders from within and outside the country for giving unflinching support to the FPO. Once the market stabilizes, we will review our capital market strategy. जब भी हम नोटिस देते हैं तो मुझे मालूम नहीं हो रहा कि किस तरह से किस तरीके का नोटिस देना चाहिए। हर वक्त हमारे नोटिसेस रिजेक्ट होते हैं और महत्वपूर्ण जो विषय है, मुद्दे हैं, जब हम उठाते हैं तो उसको चर्चा का अवकाश नहीं मिलता कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। और सभी लोग, करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज LIC, SBI और LIC, SBI जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए LIC में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं। जिस तरह से अडानी ग्रुप का शेयर पिछले कुछ दिनों में गिरा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेयर मार्केट पर भरोसा किया जा सकता है? क्या शेयर मार्केट पर सरकार की कड़ी निगरानी की जरूरत है और क्या LIC में लोगों का पैसा सुरक्षित है? एक बड़ी चिंता का विषय हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायरेक्टर सेंटर फॉर नॉलेज सवर्निटी सुमित्रा गोयनका जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी शाही हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और नेता अंजलि राय जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुमित्रा जी, पॉलिटिकल डिबेट शुरू करें उससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इस पूरे शेयर मार्केट को और जो भी चल रहा है इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, मुझे समझाइए क्या मसला क्या है। देखिए, अडानी ये भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है और राइट नाउ अगर देखेंगे तो अडानी टॉप दो तीन बड़े उद्योगपतियों में विश्व में आ चुके हैं और भारत के अनडाउटेडली वो सबसे बड़े उद्योगपति है। अब हिंडनबर्ग करके जो कंपनी है, एक रिसर्च फॉर्म है,
जो न्यूयॉर्क बेस्ड है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसी के बेसिस पे ये सारा हंगामा स्टार्ट हुआ है। तो हिंडनबर्ग ने कुछ रेड टैग्स लगाए हैं कि उन्होंने किस तरीके से शेयर मार्केट में अपने स्टॉक्स को ओवर वैल्यू किया है और किस तरीके से उन्होंने उन चीज़ों के बेसिस पे मार्केट से और बैंकों से पैसा लिया है और जो उनकी एक्चुअली वैल्यूएशन है शेयर्स की हो या उनकी जो एक्चुअली जो छवि वर्ल्ड को दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। अब ये रिपोर्ट जो है ये हिंडनबर्ग करके एक एक्सटर्नल प्राइवेट एजेंसी या आप बोल सकते एक छोटी सी रिसर्च फर्म से आई हुई है। अब हम नहीं जानते हैं कि ये रिपोर्ट सत्य है या झूठा है क्योंकि भारत क्या करता है कि भारत ने प्रावधान बनाए हैं जो भारत के सारे कंपनीज है लिस्टेड कंपनीज है और सारे जो कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अमेंड किया गया था इनटू कंपनीज एक्ट 2013 उसके बेसिस पे हम देखते हैं। या और दूसरी बात है कि सेबी को एक रेगुलेटरी बॉडी को बनाया गया है जो इस चीज़ों को देखती है कि लिस्टिंग बराबर से हुई है क्या डिस्क्लोजर्स प्रॉपरली हो रहे हैं क्या। तो ये ऐसे कोई रेड फ्लैग्स अभी तक अडानी के बारे में सेबी ने ऐसे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिए हैं। तो आमतौर पे अगर आप देखोगे तो अडानी कंपनी कौन सी चीज़ों में काम करती है, एक है कि पावर जनरेशन, दूसरा है पोर्ट्स और SEZ, ऑयल में है, ग्रीन एनर्जी में है, ACC सीमेंट्स है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, अंबुजा सीमेंट्स है, NDTV जैसी मीडिया चैनल है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है ये काफी हद तक एक सिक्योर्ड है, उनके पास एसेट्स है, उनके जो डेट्स है इस पे रेड टैग उठे हैं। लेकिन ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या जो रेड टैग, आप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत समझते हैं जो रेड टैग्स रखे गए हैं या खड़े किए गए सवाल? देखिए ये क्लियर तो होना चाहिए, अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना है तो जरूर इस पे आगे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को हम आग बंद करके उठा ले क्योंकि ये फॉरेन बॉडी की रिपोर्ट है। ठीक है, प्रोफेसर अमन अग्रवाल साहब, आप डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के, आप कैसे देख रहे हैं सुमित्रा जी जो बात कर रही हैं, क्या हमारा जो विश्वास है थोड़ा सा हिल गया, हमारा जो शेयर होल्डर है जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसका भी, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है सेबी का नाम हम ले रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी आपने बना रखी हैं निगरानी कंपनियां, वो कुछ देख भी रही हैं? देखिए जी, पहली बात जो उन्होंने ठीक कहा है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो जो रेगुलेटर्स होते हैं चाहे वो सेबी हो या जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेज है चाहे वो NSE हो BSE हो जी, वो उसके ऊपर उनसे चौकन्ने हो जाते हैं और फिर वॉच डॉग की तरह वो काम करते हैं जी, वो देखते हैं कि इसमें कितना तथ्य है कितना तथ्य नहीं है, उसको आगे लेके चला जाए या नहीं चला जी। पहली बात। दूसरी बात, ये एक कंपनी है हजारों कंपनियों में जो IPO निकाल रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी है, ये सबसे बड़ी कंपनी है और कोई कंपनी नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि भारत की अर्थव्यवस्था या इस कंपनी की अर्थव्यवस्था का शेयर मार्केट एकदम से हिल जाएगा, थोड़ा बहुत सर हिल गया मार्केट तो इतना बड़ा हिल गया कि खुद ही हिल गए हैं, वो कंपनी हिल गई है, शेयर मार्केट क्या कंपनी खुद हिल गई दूसरे नंबर से 15वें नंबर पर पहुंच गई। ये गलत फहमी है कहना कि वो हिल गए जी, ये उन्होंने अपने बातों में भी स्पष्ट किया है कि हम नहीं चाहते कि कस्टमर का जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इसलिए हम अभी विड्रॉ करते हैं और बाद में दोबारा आएंगे जी, कैपिटल मार्केट में हमारा क्या रुझान कम करेंगे, जो उनकी नेटवर्थ है जैसे अभी बताया उन्होंने भी कि बड़ी सारी कंपनियों में उनकी नेटवर्क जो है इससे कम से कम 8-10 गुना है कि आराम से उसको बेचती भी दिया जा सके, तो ऐसे कपाने की बातें नहीं है। ठीक है, ये जरूरी सोचना है कि ये कंपनी जब लेके आई है रिपोर्ट, ये जब हिंदुस्तान का बजट आ रहा है और एक बड़ी कंपनी का FPO आ रहा है तो अभी क्यों लेके आई? अगर ये जेन्युइन, इससे क्या फर्क पड़ता, गड़बड़ है कि नहीं है इसमें? ये गड़बड़ को प्रोफेसर साहब, ये गड़बड़ को टाइमिंग से जोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता, गड़बड़ है तो किसी भी टाइम आए। स्टॉक मार्केट सब कुछ टाइमिंग की बात होती है जी, स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी कोई कंपनी शेयर लॉन्च करती है या अपना IPO लॉन्च करती है तो हम टाइमिंग से ही करते हैं, नहीं तो ये नहीं होता कभी कोई कंपनी लॉन्च कर दे शेयर। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ठीक है मैं आता हूं, बैंकर्स होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं वो टाइम को देख के ही उसमें निवेश करते हैं जी, इसलिए ये कहना कि टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, ये टाइमिंग का मसला है, ये पॉलिटिक्स का मसला है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का मसला क्या है? आपको लगा कि एक मिल गया है बहाना था, पिटाई करनी चाहिए अडानी की, करनी चाहिए फिर अडानी के बहाने सरकार की करनी चाहिए?
आपको विजय भाई इस बहस को करने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, क्योंकि आप एक ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करते हैं। जी, एक सवाल आया, एक सवाल चाहे देसी ने उठाया, चाहे विदेशी ने उठाया, चाहे कहीं से उठा, जी, उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी, ये सिर्फ हम ही लोग तो वोलेटाइल नहीं हुए या हिंदुस्तान का इन्वेस्टर तो खाली वोलेटाइल नहीं हुआ, वर्ल्ड की मार्केट वोलेटाइल हुई। सिटी क्रॉप ने इनकी रेटिंग खत्म कर दी, इनको इनको लोन देना बंद कर दिया इनके बॉन्ड्स पर। जी, स्विसी ने इनके ऊपर बॉन्ड बंद कर दिया। अगर ये रिपोर्ट को जिस तरीके से अग्रवाल साहब, मुझे नहीं मालूम कौन है, कहां से हैं या किसकी लीनियज है इनकी, लीनियज की बात नहीं, फाइनेंस पर समझ, फाइनेंस पर एक्सपर्ट, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, जी, एक मिनट, एक भाई, एक्सपर्ट भी तो कोई ना कोई किसी न किसी तरफ रहेगा ना। ठीक है, देखिए अब यहां पर बात कहने दीजिए, अगर उनकी पक्षधरता साथ, जो उससे पहले जो मैम थी उनको लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी ऐसी बातें की, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि जांच होनी चाहिए। ठीक है, हम यही तो चीज चाहते हैं एक्सपर्ट से कि वो निष्पक्ष भाव से बात करें। जी, और लेकिन ये जो दूसरे अग्रवाल साहब, अगर निष्पक्ष भाव से बात नहीं करेंगे तो पूछना पड़ेगा ना कि भाई कहां से लेकर के आए हो। ठीक है, ये तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, अगर आप कहीं से कुछ लेकर के आए हैं, किसी के पक्षधर हैं, तो आप कहिए कि पक्षधर हैं। ठीक है भाई, अडानी भी हिंदुस्तानी है, अडानी के पास जो पैसा इन्वेस्टमेंट गया वो भी हिंदुस्तानी पैसा है, जो हमारा SBI में जो पैसा है वो भी हिंदुस्तानी है, और LIC के जितने भी क्या नाम जहां पर पैसा है वो भी हिंदुस्तानियों का है, और जो छोटे इन्वेस्टर है वो भी हिंदुस्तानी है। जी, अगर उनका 7.5 लाख करोड़ से ऊपर डूब गया है तो क्या इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए? जी, और क्या आप इसलिए सिर्फ बचा देंगे कि ऐसी हजारों रिसर्च कंपनियां हैं? जी, ठीक है, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। अभी एक 20-30 सेकंड, एक मिनट दे दीजिए। जी, बार बार आप बीच में करेंगे तो मैं डर जाता हूं आपसे। तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, हमने किसी और पे, हमने तो सरकार से यह कहा कि साहब आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ का मामला है। ठीक है, आप लाखों करोड़ का मामला है और हमारे करोड़ों लोगों के विश्वास का मामला है, सरकार के ऊपर विश्वास का मामला है, इससे बड़ी और आज की डेट में अर्जेंसी क्या होगी? और इस पर तो आरोप यह भी लगते हैं कि वर्तमान सत्ता में कई गुना फले फूले हैं। ठीक, हम दो और हमारे दो के एक मुख्य नायक है या खलनायक है मुझे नहीं पता। ठीक, अब यहां पर जांच करने में अगर सरकार बिल्कुल पाक साफ है, सरकार ट्रांसपेरेंट है, तो इनको जांच करने में दिक्कत क्या है, JPC बनाने में दिक्कत क्या है, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने में दिक्कत क्या है? अगर वो साफ सही होंगे तो साफ होकर के बाहर आ जाएंगे, गलत होंगे जेल चले जाएंगे। ठीक है अंजलि जी, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि भाई आप अगर, एक मिनट सर, एक मिनट, आप यही बात तो आप लोग कहते थे, आप पत्रकार मित्र भी कहते थे और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे, यही तो कहते थे ना कि साहब जांच होने दीजिए ED की। ठीक है, जांच की बात समझ में आ गई अंजलि जी। अंजलि जी, साफ होंगे तो बाहर आ जाएंगे। अंजलि जी, सुरेंद्र जी ने जो बात जोड़ी है, विपक्ष की सभी पार्टियां कमोबेश वही बात कर रही है, आप इससे अलग क्या बात जोड़ना चाहती है कि क्या होना चाहिए जांच के अलावा? कैसे आप इसको देख रहे हैं पूरे इश्यू को? आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। जी विजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2014 में 37 करोड़ थी, आज 2022 में 10 से 11 लाख करोड़ रुपया हो गई, और जिसने इतनी उन्नति की कि और शेयर्स फ्लोट किए कि जो भारत की जनता थी या विदेशों में भी जो लोग थे, जो सपने देखते थे कि हम भी अमीर बने, कभी हमें तकलीफ आएगी, हमारे बच्चे की शादी होगी या बड़ा बच्चा होगा उसको बिजनेस में पैसा चाहिए होगा, या बीमारी आएगी हमारे पास पैसा होगा, या बुढ़ापे के लिए हम पैसा बचाएंगे, उन सब ने इनके साथ निवेश किया कि इनके परों के साथ साथ हम भी उड़ेंगे। लेकिन आज जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो बहुत ही उनके ऊपर सीरियस जो है एलिगेशंस लगे हैं। पहली बात यह है कि जो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपनी ही कंपनीज इन्होंने बनाई, जैसे मॉरिशस वगैरह में और दूसरे देशों में विदेशी कंपनियां बनाई, और उन्हीं कंपनीज ने इनके शेयर्स को खरीदा और उनके दाम बढ़ाए, और उनके दाम जब शेयर्स के बढ़ गए अदानी ग्रुप के, उस इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर इन्होंने लोन ले लिया। अब कीमत उतनी नहीं है, लेकिन कीमत ज्यादा दिखाकर लोन ज्यादा ले लिया गया, और लगभग 30% बैंक लोन जो है वो
अदानी ने लिया है भारत के बैंकों से जी। और आज जब ये सारी बातें खुलकर आ गई सामने तो अदानी जी भी कहीं घबरा गए। उन्होंने अपने एफपीओ जो है उसके विड्रॉ कर लिए, जो 20 लाख करोड़ के उन्होंने किए थे फ्लोट, वो घबरा गए। क्यों घबरा गए? करोड़ जी। हाँ जी, तो अब सवाल ये होता है कि ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, अगर इस पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे तो संसद किस काम की और देश किस काम का, देश और संसद किसके लिए है, जनता के लिए है। और आज जब 7.5 लाख करोड़ रुपया एक दिन में गायब हो जाता है, कुछ दिनों में ही, फ्यू डेज में, ये पिछले 2-4 दिनों में, तो क्या देश में हड़कंप नहीं मचेगा? वो जो निवेशक छोटी छोटी अपनी निवेश करके बैठे हैं या बड़ा करके बैठे हैं निवेश, उनका हालत आज क्या होगी? ठीक है, उनके दिल पर क्या बीत रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल वाजिब है। अश्वनी शाही साहब हमारे से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अश्वनी जी, माफी के साथ चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि सब लोगों के सवाल हो जाएं तो आप उनका जवाब दे पाएं। प्रोफेसर साहब, आता हूं आपके पास, लेकिन अश्वनी जी को एक बार समझ लें। आपको मौका मैंने इसलिए बाद में दिया ताकि सब लोगों की बात को आप जवाब दे सकें। अश्वनी शाही, मैं प्रोफेसर साहब की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं जी। टाइमिंग की बात एकदम परफेक्ट है यहाँ जी, क्योंकि ये कितने बड़े देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है और उसका बजट आने वाला है जी। और इस देश का एक व्यापारी जो विश्व का दूसरे तीसरे नंबर का व्यापारी है, उसकी अगर अर्थव्यवस्था हिलती है तो देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है जी। इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी जी, और ये टाइमिंग में अचानक बम फोड़ा गया है जी। ये हिंडनबर्ग का जो मालिक एंडरसन है, ये इसकी कंपनी में 10 लोगों की कंपनी है ये जी। इसने एक नियाला करके एक ट्रक कंपनी थी, उसके खिलाफ ये काम किया था जी। ये शॉर्ट सेलर निकोला कंपनी जी जी, उसके बाद ट्विटर के खिलाफ भी किया और अब ये अडानी के खिलाफ किया जी। चलिए मैं मान लेता हूँ 100, हो सकता है कि कुछ कमी रही हो या हो, उसकी जांच होनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ होना चाहिए जी। लेकिन ये टाइमिंग दो तरह से है, ये 20 तारीख से और 30 तारीख के बीच में, मेरे पास वो पूरे डेटा हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। 20 तारीख को 2000 करोड़ रुपए निकाले गए, उसके बाद 200, फिर 760, फिर 2300, फिर 5977, फिर 6792 करोड़, ये FII ने निकाला है जो विदेशी लोग हैं जी। ये वहां पर इस कंपनी को एकदम खत्म करने के लिए कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, उससे मिले हुए जो विदेशी लोगों को, जैसे हमारे देश के कुछ दल हैं जो विदेश के लोगों की चीजों पर मानते हैं और हमको श्रीलंका से भी नीचे दिखाते हैं, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, इन लोगों ने और कुछ पत्रकारों ने जी मिलकर इसको एक्सपोज करने की बात की और आज चीखम चिल्ली मची है जी। आज LIC ने जो LIC की बात ये लोग कर रहे हैं जी। मैं LIC पर आना ही चाहता हूं क्योंकि असली इशू तो LIC का है, मेरी चिंता LIC और उससे जुड़े इन्वेस्टर्स की है, उस पर चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है उसको लेकर, कि वो सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, LIC ये बोल रहा है कि हमने इनको 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिया है जी, और जो आज सब घटने के बाद 56,000 करोड़ का हो गया है, हमारे निवेशक कहाँ उसमें है, कहीं निवेशक उसमें एक करेक्शन है कि वो टोटल जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उनको 77,000 करोड़ रुपए दिए LIC ने और उनकी जो प्राइस है आज की तारीख में वो 56,000 करोड़ है मार्केट के हिसाब से। ये तो 36,000 करोड़ को 56,000 करोड़ का वो उन्होंने कहा है, घाटे में नहीं दिखाया है, उन्होंने कहा हमें नुकसान नहीं है जी, उन्होंने जो कहा है हमको नुकसान नहीं है, ये चिट्ठी से जाहिर होता है जी। लेकिन अब आज हमारे देश में दो काम हुए, एक तो देश को बदनाम करने की ये चीज हुई, आज एक और शर्मनाक काम हमारे सांसदों ने किया सदन में, उसको भी इससे मैं जोड़ना चाहूंगा। जाम्बिया का एक प्रतिनिधि मंडल अपने सदन में था, वहां के स्पीकर समेत वो आए थे हमसे सीखने, लेकिन हमारे लोगों ने आज जिस तरीके से अतिथि देवो भव का मजाक उड़ाया, ये देश को शर्मसार करने वाली बात है। अश्वनी जी, आप युवा हैं, आपने बहुत समय नहीं देखिए पार्लियामेंट जब बीजेपी अपोजिशन में होती थी और डेलीगेशन वहां पर रोजाना आते हैं, तो अभी आपको इस पर हम चर्चा नहीं करते क्योंकि वो तो देखते हैं, वो भी जानते हैं, वो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वो भी जानते हैं कि कैसे होता है, लेकिन ये हमें भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अपोजिशन में रही है और अब जो डेलीगेशन है ना वहां पर बैठते थे, तो वो ये इसको छोड़ दीजिए, ये इशू नहीं है। अच्छा,
एक लाइन में बोल के आज जो किया उन्होंने, आज जो मैंने देखा, देश ने देखा तो शर्मसार किया। अब वो जो पीछे बीत गया होगा, इतना जो है वो नहीं था विजय जी कि सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी। आज जो है बाल की खाल बनाने की प्रथा उस समय नहीं थी, उस समय एक दूसरी राजनीति होती थी। और मैं एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये जो एफपीओ लाया जा रहा था, एफपीओ को फेल करना था। और उस समय जबकि हमारी खाड़ी देशों से इस समय भारत की अच्छी मित्रता है, और अंबानी वो अडानी जैसे व्यापारी का खाड़ी देशों ने बहुत सहारा दिया था इन्वेस्टमेंट में, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया था इनके। ये जो अभी आया था एफपीओ, इसमें एनआईआई को 32%। ठीक, आज अगर इनकी गुडविल नहीं होती तो अंबानी, सजन जिंदल, अश्विनी जी, सुरेंद्र जी, चलो इस पर चर्चा करेंगे। गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। हम चर्चा कर रहे हैं अडानी ग्रुप को लेकर, जो विवाद हुआ संसद में, जो हंगामा हुआ, हाउस आज नहीं चला, तमाम तरह की चीज़ें। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अश्विनी शाही जी हैं, प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं, अंजलि राय हैं और सुमित्रा गोयनका जी हैं। सुमित्रा जी, एक बार आपसे समझना चाहता हूँ, अडानी ग्रुप को तो छोड़ दें, लेकिन असली बात है हमारा जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जिसका पैसा LIC में लगा हुआ है, SBI में लगा हुआ है, उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में या किसी एक बड़ी कंपनी में हुआ, और वो भी मुझे बताया गया, आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, प्रोफेसर साहब भी करेक्ट कर सकते हैं, कि जब खरीदे गए तो वो जो रेट थी, जो प्राइस थी, शेयर प्राइस, उससे ज़्यादा पे खरीदे गए। तो ये जो देश हित के लिए जो सारा काम हुआ, इसका क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मार्केट्स होते हैं ये काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, तो किसी दिन इनके प्राइसेस ऊपर होते हैं, किसी दिन नीचे होते हैं। लेकिन आम तौर पे जब LIC जैसी कोई कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, उन्होंने सिर्फ अडानी ग्रुप में नहीं इन्वेस्ट किया है। अडानी ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और जब ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो कुछ फैक्टर्स लिए जाते हैं, जैसे अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप का जो ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई भी अभी तक खराबी नहीं है। सेकेंडली, उनके जो एसेट्स है, क्या ये इनफ है? जब कोई SBI जैसी बैंक किसी को लोन देती है तो क्या वो एसेट्स चेक करती है? तो डेफिनेटली अडानी के पास आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है और एसेट्स है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी एक चीज़ है, कितनी एसेट्स इनके पास है। अगर आप ये सारी फैक्टर्स को चेक करोगे तो ये कोई बहुत रिस्की प्रोपोजिशन कल तक तो नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें इतना पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये आज बोल दिया है। मैंने पहले भी कहा है कि इन्वेस्टिगेशन हमारे रेगुलेटरी बॉडीज ने करना चाहिए, जो भारतीय रेगुलेटरी बॉडीज है उन्होंने जरूर ये रेड टैग जो आए है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज हिंडनबर्ग जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आके, सुमित्रा जी एक बात समझना चाहता हूँ, रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? कि रेड टैग जब आए तब उनकी नींद खुलेगी, जागेंगे? जी नहीं, या वो खुद देखते रहते हैं कि भैया कुछ गलत तो नहीं हो रहा? जी नहीं, देखिए रेगुलेटरी बॉडी जो है इनका रोल है, और एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट, और दूसरा एज पर जो SEBI है, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये SEBI गाइडलाइंस होते हैं जिसमें कहा जाता है SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर्स। और अगर आप जानते हैं तो अभी 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया है, जो हमारा पुराना कंपनीज एक्ट है उसे अमेंड किया गया है, और उसके हिसाब से जो रेगुलेटरी बॉडीज है उन लोगों ने देखना चाहिए कि डिस्क्लोजर्स ठीक से हुए हैं क्या, रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी है क्या, कंप्लायंसेस हुए हैं क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सारा एक मैकेनिज्म है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है सिस्टम में। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हेल्दी, एक कंपनी को हेल्दी कैसे माना जाता है, तो उसके जो एसेट्स है वो है क्या, सच में है क्या उसके पास? तो अडानी के पास एसेट्स है, अडानी के बिजनेस कंटिन्यूटी है क्या? तो अगर आप देखेंगे तो अडानी के बिजनेस कंटिन्यूटी है, क्योंकि उनके पास पावर कंपनीज है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, उनके पास पोर्ट्स और SEZ है। अभी किसी ने जिक्र किया कि सिटी कॉर्प ने या सिटी बैंक ने अभी रेड टैग किया है, आज ही हुआ है, तो कल इसी को क्रेडिट स्विस ने रेड टैग किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है जो कि कल ही पब्लिश हुई है, उन्होंने अडानी, SEZ और पोर्ट्स को 68%
रेज दिया है, दे हैव अपग्रेडेड जो उनका सिस्टम होता है कि कोई स्टॉक और कोई रेटिंग होती है उस पर, उन्होंने इसी को उन्होंने अपग्रेड किया और फिर शाम को बोला है कि हम इसको कोलैटरल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है इसको पैनिक करके नहीं लेना चाहिए। देखिए कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक से हुआ है कि नहीं ये देखना जरूरी है, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट जरूर आएगा इकोनॉमी पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बहुत ही रेजिलिएंट है इस बात में। ठीक है अश्विनी जी, उम्मीद है कि आप इस पूरे मसले को निजी तौर से आहत नहीं हो रहेंगे। मैं केवल समझना चाहता हूं कि जो हो रहा है उसमें फिर से मैं कंपनी पर नहीं आ रहा, मैं LIC और SBI पर ही आ रहा हूं। LIC के लिए आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कंपनी है, वो अपने हिसाब से करती है, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऊपर जो देखते हैं, कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वो ऊपर वाला तो देखता ही होगा ना कि कैसे कर रहे हैं आप, कहाँ पैसा लगा रहे हैं। जी विजय जी, कोई व्यक्तिगत इसमें लेने की बात नहीं, आपने चर्चा के लिए बुलाया है तो व्यक्तिगत इसमें कुछ नहीं है, यहाँ तो जो चीजें हैं वो सबके सामने हैं। जी अब LIC ने तो अपना क्लियरिफिकेशन दे दिया है एक पत्र जारी करके। जी RBI ने और बैंकों से मांगा है, वो भी आ जाने दीजिए सबके सामने, पता चल जाएगा कितना है। क्योंकि LIC हो SBI हो, LIC मान लीजिए कि हम और आप अपना बीमा कराते हैं 15-20 सालों के लिए, तो वो कुछ दिन बाद एक मैच्योरिटी भी देते हैं, तो उसके लिए उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो देखकर इन्वेस्ट करेंगे कि कहाँ जा रहा है। आप अडानी का जो ग्रोथ देखिए, किसी में 52%, कहीं 30%, कहीं 40%, इससे ज्यादा ग्रोथ कहीं नहीं है। तो उन्होंने अगर लगाया है तो अपने निवेशकों के हित के लिए लगाया है, ठीक है, वहां पर पैसा उन्होंने दिया। अब RBI ने जो डिटेल मांगी है वो ये बैंक देंगे, चाहे SBI हो, PNB हो, जो भी बैंक हो, सरकारी बैंक जो होंगे, आपने कितना लगाया, क्या आज रिटर्न है, क्या ये सारी चीजें देंगे उनको। मतलब आप भी सुरेंद्र जी और अंजलि जी के साथ हैं कि जांच हो जानी चाहिए कि जो है देख लिया जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ ये हिडनबर्ग जो है, चाहे एंडरसन उसका मालिक जो है, हाँ। वो खुद जांच के घेरे में है, BCO जांच अमेरिका में उसके खिलाफ चल रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा देश उसके नाम पर त्राही त्राही कर रहा है जी। तो आज हमारे देश के कहीं ना कहीं तो बैंक लगाएंगे, क्योंकि लोन अगर ब्याज देते हैं जमा पर तो वो कहीं ना कहीं से कमाएंगे, तभी तो वो ब्याज देंगे, लोन देकर कमाएंगे। अंजलि जी, अंजलि जी, आपको अश्विनी जी की बात में कोई दिक्कत लग रही? नहीं, उनकी बात में मुझे दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो इस तरह से जितने भी BJP के प्रवक्ता मैं देख रही हूँ वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हम तो बात अदानी ग्रुप की कर रहे हैं, वो ऐसे बचाने आ रहे हैं जैसे वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, हम सब अपने देशवासियों के लिए चिंतित हैं। अंजलि जी, मैं इसका विरोध करता हूं। जी, विजय जी, नहीं ऐसा नहीं है, और ये थोड़ा सा अपने विचारों को थोड़ा सा बदलें, और इसकी जो है जांच पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें सारे हजार लाखों जो है निवेशक लगे हुए हैं जिनके भविष्य की ये प्रश्न है। और मैं ये कहती हूँ कि जो सेबी है, सेबी की आप बात अभी पहले कह रहे थे, सेबी का सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट 1992 क्या कहता है, वो कहता उसके तीन काम है। पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ मैल प्रैक्टिसेस, थर्ड, फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। अब मुझे ये बताइए कि क्या सेबी ने ये देखा कि एक व्यक्ति जिसका इतना शेयर बढ़ता जा रहा है, इतना पैसा एकदम से वो इतनी तरक्की कर रहा है, क्या वो ठीक है? क्या ये जो निवेशक इतना पैसा डाल रहे हैं, क्या उनका सुरक्षित है पैसा, उन्होंने प्रोटेक्ट किया इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का? क्या उन्होंने देखा कि प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस जो उनका एक फंक्शन था देखने का, क्या उन्होंने वो देखा जो ये शेल कंपनीज बनाई जा रही थी, जो पैसा बाहर से आके खरीद रहा था, क्या उसकी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की कि ये माल प्रैक्टिसेस तो नहीं है, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, क्या ये सही प्रॉपर फेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग है? ये सारे काम सेबी के थे, क्या उसने किया? आज जब सारा देश हाहाकार कर रहा है, विदेशों में हमारी जो है बेइज्जती हो रही है, तो आज क्या वो अभी भी जागेगा या नहीं जागेगा, प्रश्न ये है। बिल्कुल ठीक बात है सुरेंद्र जी। अश्विनी जी को आपने सुना, अंजलि जी को सुना, सुमित्रा जी ने भी अपनी तरफ से बात रखी है, आपका इस पर ज्यादा अनुभव है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है 19 दिसंबर 1957 लोकसभा में जब देश का पहला फाइनेंशियल स्कैम सामने आया था, और वो रखने वाले थे फिरोज गांधी जी, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और वो भी LIC स्कैम था। LIC ने
कुछ इन्वेस्टमेंट 1,26,00,000 रुपए करीब करीब था जो इन्वेस्ट कर दिया था हरिदास मुंदड़ा की कंपनी में, उसमें भी गलत तरीके से मार्केट प्राइस बढ़ाई गई थी, शेयर की प्राइस बढ़ाई गई थी, वो तमाम जो करीब करीब ऐसी घटना थी। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा जानते समझते हैं कि LIC किस तरह से काम करती है, और उस समय बहुत सारा काम हुआ, नेहरू जी नाराज भी हुए, लेकिन फिर जाँच हुई, जिसके लिए आप भी कह रहे हैं, अंजलि जी भी कह रही हैं और अश्विनी जी भी इससे सहमत है कि जाँच करवाई गई, जज ने जाँच की, फिर वित्त मंत्री का इस्तीफा हुआ, कई लोगों का इस्तीफा हुआ। अब आप इसमें क्या चाहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये 1957 को दोहराया जा रहा है? देखिए, फिर से यही बात आती है विजय भाई, हमारा इतिहास है, हमने आपके सामने है, हमारे ही सांसद ने सवाल उठाया जी, जवाहरलाल नेहरू जी जैसा स्टालवार्ट था, उन्होंने जांच कराई, उन्होंने सदन को स्थगित नहीं किया जी, उन्होंने इस चीज को अपने व्यक्तिगत अहम पने लिया, जैसे मोदी जी ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता ले रहे हैं और प्रवक्ता ले रहे हैं जी। हमने उसकी जाँच की, अगर उसमें कुछ गड़बड़ पाया गया तो उसके करेक्टिव मेजर्स लिए ना आपके सामने और वो इस्तीफे हुए। यहां पर इस्तीफे की तो बात छोड़ दीजिए, सदन में जांच की बात नहीं मानी जा रही है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अडानी जी को और मोदी जी को एक मान रहे हैं जी। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के राज में इतना सारा कुछ हुआ, उन्हीं के जहाजों में घूमे हैं मोदी जी, उनसे प्रॉक्सिमिटी बड़ी क्लियर है। हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि आप देश के अडानी को बना रहे हैं जी। क्या अडानी तिरंगे के पीछे छुपेगा? क्या आप लोग अडानी के अगर कोई भ्रष्टाचार उन्होंने किया है तो उसको आप अपने यहां पर छुपाएंगे जी? आपका क्या लगता है अडानी? और जो काम सेबी को करना चाहिए था, आप हिडन वर्ग को इतना इस तरीके से वो तिरस्कृत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, विदेशी है ठीक है, लेकिन आप अगर हमें ये बताइए, अगर हिडन वर्ग जो रिपोर्ट ले सकता है विदेश में बैठकर, हमारी संस्थाएं जो ईडी है, CBI है, सेबी है या अन्य नियामक है, ये क्या कर रहे थे भाई? ठीक है भाई, अगर उसकी तरफ सवाल हमने पूछा ही है, वही सवाल हमने पूछा है। 10 पैसे अगर दाएं से बाएं भी सुनिए, जो 10 पैसे भी अगर दाएं से बाएं को हो ना हो, ईडी तुरंत चली जाती है, CBI तुरंत चली जाती है, इनकम टैक्स तुरंत चली जाती है। विपक्ष के नेताओं के लिए तो इतनी कॉम्पिटेंट एजेंसियां हैं इनके पास, लेकिन जो मोदी जी के मित्र हैं उनके लिए कॉम्पिटेंसी कहां चली जाती है? सुरेंद्र जी, अभी हम मुंह में दही जम जाती है, सुरेंद्र जी वहां से फुर्सत नहीं है, सुरेंद्र जी वहां से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है इन एजेंसीज को। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहता हूँ आपसे, एक चीज समझना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को समझते हैं, एक आप ही के साथ आप ही की बात कर रहा हूं मैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को आप समझते हैं, रूल्स रेगुलेशन, पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर को यदि आप देख रहे हो, आज से वोट ऑफ थैंक्स हो रहा था प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर, है ना, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में सब लोगों को बोलने का मौका मिलता है, और उसमें आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आप कोई भी इशू को, वित्त मंत्रालय की बात करते करते आप अडानी पर, SBI पर और LIC पर भी आ सकते थे, तो फिर क्या बात थी, क्या परेशानी है? हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, देश सुन रहा है आपकी आवाज। मैं दो तीन चीजें, मैं दुनिया की नहीं बात कर रहा, मैं विजय त्रिवेदी की बात कर रहा हूँ। आप हमें ये बता दीजिए ना कि अगर इतना महत्वपूर्ण विषय और हम जीरो आवर में लाना चाह रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव के जरिए लाना चाह रहे हैं, नोटिस हम दे रहे हैं, तो हमारे नोटिस को रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? यही पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी विषय आते हैं तो इमरजेंसी विषयों को तुरंत ही सरकार वो क्या नाम टेकअप करती है, ठीक है, और ये इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हमारे देश के आम नागरिक और हमारे देश के पैसे के खिलाफ एक डकैती पड़ी है, ठीक है, और वो डकैती विजिबल हो रही है जी, चाहे वो हिडनबर्ग की रिपोर्ट से हो रही हो और चाहे किसी और रिपोर्ट से हो रही है, 7,50,000 करोड़ की डकैती पड़ी है ना, ठीक है, ठीक है प्रोफेसर अमन अग्रवाल, 7,50,000 करोड़ की डकैती पड़ी है, अगर हम उस पर कोई चर्चा चाहते हैं। और तीसरी आखिरी बात सर, अभी जो अश्वनी जी और ये सब, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जितनी बातें अश्वनी जी कह रहे हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मैं आधिकारिक बयान समझूं? ठीक है, इस पर अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान हो तो मेरे मन में 3-4-5 प्रश्न हैं, ठीक है, फिर चर्चा कर लेंगे। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, आपने सब चीजें समझी हैं, राजनीतिक और इसका जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है वो मुझे समझाइए, जो सुमित्रा जी कह रही है उससे आगे कुछ जोड़ सकते हैं आप इसमें?
देखिए जी, पहली बात तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ना मेरे पास कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना भारत सरकार से जी, एक रुपया भी मेरे सेविंग अकाउंट में या मेरे को किसी तरीके से मिलता है जी, किसी भी चीज के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए प्रोफेसर साहब, इसकी सफाई की जरूरत नहीं है तो कोई इसकी सफाई की जरूरत। दूसरी चीज आपको ये समझना जरूरी है कि मैंने पहले ही कहा कि सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और जो बाकी एजेंसीज हैं, चाहे वो रिसर्च सेंटर्स हो, चाहे वो न्यूज मीडिया हो, वो इस इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, यही नहीं कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, उसको चेक करता है, वेरीफाई करता है, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेता है और वॉच डॉग की तरह काम करता है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर कदम कदम पे मीडिया में आके या न्यूज़पेपर में आके अपनी स्टेटमेंट्स मेक करेगा। जैसे कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो सीबीआई को दिया जाता है, तो सीबीआई आके हर बार, हर रोज आके अपनी टिप्पणी देती है कि आज क्या हुआ या क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेबी का या किसी और ऐसी एजेंसी का ये रोल नहीं होता है, वो अपना चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ गलत पाया जाएगा तो उसके ऊपर दंड भी लगाया जाएगा और उसको फिर जो नेसेसरी अथॉरिटीज हैं उनमें बताया जाएगा और कंपनी को भी बर्खास्त करके ये कहा जा सकता है कि आपके शेयर हम लिस्ट आगे कभी नहीं करेंगे। ये पावर उनके पास है, पेनल्टी लगाने की पावर है और उस चीज को कोर्ट में भी ले जाने की पावर है जी। ठीक है, तो आप ये कह रहे थे कि बजट से पहले आया है। ठीक है, ठीक है सर, मैंने अभी जो दोबारा बोला है उसको गलत मत लीजिए। ठीक है, अरे क्या चीज मतलब का जो, जो, ये जो समय की आप बात कर रहे थे, आप सीधे सीधे जो है अडानी को बचाने की बात कर रहे थे, भारत सरकार को बचाने की बात कर रहे थे और किसी भी जांच को आप बिल्कुल खारिज कर रहे थे। मार्केट में इस न्यूज को लाना चाहिए था जी, अगर इसने तब छुपा के रखा और तब ये मार्केट में नहीं लाई तो इसका मतलब ये मार्केट को टाइमिंग करने की कोशिश कर रही है, जो काफी सारी कंपनियां शेयर को बढ़ाने के लिए भी करती हैं, शेयर को गिराने के लिए भी करती हैं। ठीक है, सरकारों को प्रोफेसर साहब, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट हो सकता है ना, उससे कंपनी के गड़बड़ियों को, ये ऐसी चीज नहीं है जहां पे मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। मार्केट टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। अश्वनी जी जी, अश्वनी आप कोई भी किताब उठा के पढ़ सकते हैं इसके। ठीक है अश्वनी जी, आपको जोड़े उससे एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं, जो सुरेंद्र जी ने पूछा कि ये जो सारी एजेंसीज हैं, सेबी है, ईडी है, सीबीआई, ये पता नहीं बहुत सारी एजेंसीज का नाम मैं जानता भी नहीं, ये सारों के पास जीपीएस नहीं है क्या कि जो आपके लोगों के साथ भी जा सके, वहां गाड़ी हवा नहीं जाती। आपने बहुत अच्छी बात, अश्वनी जी, अश्वनी जी, विजय जी, अभी सुरेंद्र भाई ने कुछ सवालात किए कि जो जहाज में जाते थे उनका जीपीएस ठीक करवा दीजिए थोड़ा। नहीं नहीं, मैं जीपीएस इनका ठीक करा दे रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी के साथ दूसरा जहाज चलता था जिसपे पूरा डेलीगेशन जाता था और व्यापारिक डेलीगेशन सबके साथ जाता था, ये लोग अपना दिन क्यों भूल जाते हैं, इनका सवाल। दूसरा सवाल मैं कहता हूँ, 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, एक आरोप लगा है डायमंड उसकी जो उसकी अभी जो है शेयर में ही डायमंड ट्रेड का, डायमंड ट्रेड का सी सैट ने जो है जांच किया और उस जांच में निर्दोष साबित किया, जो वो होता है अपना डीआरआई टाइप एक होता है, लोकाधिकार सी सैट होता है। 2006 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अडानी के ऊपर लगा था और उनको जो है हम लोग अपनी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में उसी डायमंड ट्रेड में उनको क्लीन चिट दी थी। ठीक है, आज ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं ये बात, दूसरा और हमसे कह रहे हैं कि ये अडानी की बात कर रहे हैं, भाई यहाँ चर्चा जब आप अडानी की करोगे तो अडानी का जवाब पाओगे। आप हमसे पूछो मोटे अनाज पर देश में क्या करना है जी, तो हम पूरे मोटे अनाज पर आपको बताएंगे कि बजट में माननीय मोदी जी ने मोटे अनाज की चर्चा की। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपनी बहन जो हमारी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है विजय जी, इन्होंने कहा कि अडानी के शेयर बढ़े, क्या सिर्फ अडानी के शेयर बढ़े, बीएससी और निफ्टी बढ़ी नहीं जी, सिर्फ अडानी के साथ खेल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का ये बाहरी एक जाल बिछाया गया है जिसमें हमारे देश के विरोधी दलों के नेता, जिसमें खोखा खोखा वाले भी है, कांग्रेस वाले भी है, ये सारे उनके प्यादे बनकर और आज हल्ला मचा रहे हैं, देश की अस्मिता से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अश्विनी जी, आपकी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ यहाँ साजिश, अश्विनी जी आपकी बात से मैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इसका कोई प्रमाण है तो प्रमाण दे, वरना इस तरीके की गंदी बातें आप लोगों के पास करना बंद करें। अगर एफआईआई को विदेशी लोग चढ़ाते हैं, आपके पास एफआईआई
मैं कह रहा हूँ तब आप क्या नाम कुछ नहीं बोलेंगे, जब वो विड्रॉ करते हैं तब आपको शर्म नहीं आती आपको? हम कहें कि फेकू देशद्रोही है, हम कहें नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, हम कहें भारतीय जनता पार्टी के लोग देशद्रोही है, हम कहें हजारों करोड़ के सुरेंद्र जी प्लीज आपको शर्म नहीं आती? सुरेंद्र जी अश्विनी जी प्लीज अंजलि जी प्लीज इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए अंजलि जी और आप लोगों अंजलि जी बात जो दोनों लोग कर रहे हैं बात कुल मिलाकर यह है कि जांच होनी चाहिए है ना, ये सब चलता रहता है और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ अश्विनी जी के कि एक इंडस्ट्रीज के शेयर गिर जाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है, देश ज्यादा मजबूत है। अश्विनी जी देश को है ना थोड़ा छोटा कर रहे हैं, मैं थोड़ा बड़ा समझता हूँ देश को। आप क्या समझते हैं कि क्या रास्ता है, क्या आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत वोट ऑफ थैंक्स में आप बोलते बात को फिर कौन रोकता? देखते हैं नहीं, देखिए जितनी ये सीरियस इशू है ना इसमें हम इंतजार नहीं कर सकते थे। इंतजार कहाँ, आज दोपहर में 2 बजे तो वोट ऑफ थैंक्स पर डिबेट शुरू हो जाती है मैडम, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को तो समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर उन्हें बोलने देते ना, विपक्ष को मौका देते ना, चर्चा करा लेते ना पहले, फिर कर देते वोट ऑफ थैंक्स, फिर क्या दिक्कत थी जी? क्या दिक्कत थी? इतना इंपॉर्टेंट इशू है, वोट ऑफ थैंक्स जरूरी नहीं है। आम जनता जो है इस समय मर रही है, जिनके सारी पूंजी इसमें लगी हुई है शेयर्स में, उनके दिल पर क्या बीत रही है, उनको रात को नींद आती है या नहीं आती, आप इसका अंदाजा लगाइए। उनकी बात ज्यादा जरूरी है वोट ऑफ थैंक्स से, तो इसलिए इस इशू को उठाना बहुत जरूरी था जिसे इन्होंने उठाने नहीं दिया। ठीक है सुमित्रा जी, देखिए पिछले कुछ सालों में कोविड सिचुएशन के बाद भारत एक ऐसा देश है जो प्रोग्रेस कर रहा है, भारत की GDP प्रोग्रेस कर रही है। मुझे लगता है एक और जांच ये भी होनी चाहिए कि क्या ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट किया गया है भारत के ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि भारत आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ चुका है और बढ़ रहा है। और अडानी जी जो है ये जो ग्रुप कंपनी है, और ना ही सिर्फ अडानी लेकिन ऐसे कई आजकल भारतीय कंपनीज है जो वर्ल्ड में अपना रेपुटेशन, मैडम ये देश की अर्थव्यवस्था पूरी अडानी जी पर टिकी हुई है। नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ, तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम करता है जी। कितना बड़ा ग्रुप है ये देश की अर्थव्यवस्था में, कितना हिस्सा अडानी जी का मुझे समझाइए? काफी हिस्सा है सर जी, लेकिन ये बात अडानी जी डूब जाएंगे तो देश डूब जाएगा? नहीं, देखिए बहुत सारा मार्केट सेंटिमेंट जो है वो एक कलेक्टिवली मार्केट सेंटिमेंट चलता है, जब आप स्टॉक्स देखते हैं तो काफी सारा कंपनीज एक साथ मिलके वो स्टॉक्स को रूल करते हैं। और एक कंपनी पे अगर हिट जॉब होता है, अगर कल सपोज आप अज्यूम करें कि टाटास पे हो जाइए, परसों कोई और बड़ी कंपनी पे हो सकता है, तो ये एक मैटर और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या ये इसका जो किया गया है, ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, एक छोटा सा जवाब चाहिए, वक्त कम है, ताकि आपको लगता है कि ये जांच को विस्तार कर देना चाहिए जो सुमित्रा जी कह रहे हैं? देखिए जी ऑलरेडी जांच हो रही है, आप ही जांच कर रहे हैं, लोग भी जांच कर रहे हैं, और जो एजेंसीज हैं वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही होंगी जैसे हम बात कर रहे हैं जिस समय जी। पर ये कहना कि उसके ऊपर एक निष्कर्ष एकदम से आएगा वो जरूरी नहीं है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने शुरू में भी कहा था जी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है, उससे हिलने वाली नहीं है, ना ही अडानी की अर्थव्यवस्था इससे हिलने वाली है। ठीक है, इसीलिए उसने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कहा कि मैं इस इशू को पूरा रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ स्टॉक मार्केट की बात है वो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे दिल की धड़कन होती है वैसे जीतते हैं कुछ हारते हैं उसके अंदर। ठीक है सुरेन जी, छोटा सा जवाब, अभी लास्ट टिप्पणी में चाहता हूँ, बहुत कम है, बहुत छोटा सा जवाब। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं सबकी जांच हो, हिंडनबर्ग अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसकी भी जांच हो, उसको भी हिंदुस्तान लाइए, कौन रोक रहा है? ठीक है, सारे सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए, अगर देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है उसके खिलाफ उसकी भी जांच होनी चाहिए, और देश के अंदर बैठे हुए देश के गद्दार अगर सरकार के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे इन्वेस्टर का, हमारे देशवासियों का हित सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा संविधान सुरक्षित रहना चाहिए, इन देश के गद्दारों को कहीं पर भी हो इनको जेल के अंदर होना चाहिए। ठीक है अंजलि जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो जहां पर भी गलत किया गया है उसका पूरा जांच होना चाहिए, जो भी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत सारे लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसे हम चालू। विजय जी देखिए, मुझे तो सीधा सीधा इसमें एक कॉन्स्पिरेसी लगती है, विदेशी कॉन्स्पिरेसी इसमें है। ठीक है, और एक उसके बहाने सरकार पर निशाना है, अब वो चाहे जो भी हो उसमें हमारे विरोधी दल के लोग भी आगे बढ़कर उस चीज को कर रहे हैं। सबकी जांच चाहते हैं ना, कि सबकी जांच हो जाए, जांच हो, जांच करा लीजिए ना,
सारी चीजें आ जाएंगी, जांच कराइए, ठीक है, ठीक है, जांच कराइए, ठीक है। अश्विनी जी सहमत है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी अश्विनी जी आप ही के साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, अश्विनी जी, अंजलि जी और सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या शेयर मार्केट पर सरकार की कड़ी निगरानी की जरूरत है। इस पर 75% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 25% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी ज्यादातर लोग समझते हैं कि सरकार की कड़ी निगरानी की जरूरत है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी यानी विजय भी। आज का हमारा शब्द है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। बढ़ती आबादी और महंगाई में भारत का हर दूसरा नागरिक अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर करना चाहता है और उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करता है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोग शेयर मार्केट के जरिए करते हैं, कुछ लोग इसे जुआ भी मानते हैं, लेकिन ये कोई जुआ नहीं है और ना ही जादू की छड़ी कि आपका पैसा तुरंत डबल हो जाए। दरअसल शेयर मार्केट उस दवाई की तरह है जिसे लेने की मात्रा और समय अगर पता हो तो आपकी आर्थिक हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको दवाई की मात्रा कितनी लेनी है, कब लेनी है, यदि ये पता नहीं हो और आप ज़्यादा दवाई लेकर अपने आप को आर्थिक हालात को खराब कर सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपका लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।